पैरागॉन केस में ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत मंजूर, सुप्रीम कोर्ट का 30-30 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने का हुक्म। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने चेयरमैन नैब के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया, कहते हैं नैब नामी सर्कस को बंद किया जाए। एहसन इकबाल बोले, नैब वजीर आजम इमरान खान की मर्जी से चल रहा है। शाहिद आफरीदी पीएसएल मैचेस मुलतवी होने पर मायूस, कहा लोगों की सेहत और हिफाजत के लिए ये जरूरी है। पॉइंट टेबल पर टॉप मुल्तान सुल्तान्स को ट्रॉफी देने का मुतालिबा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा, लाहौर के मियो अस्पताल में मुश्तबा मरीज जहां भाग, मुल्क भर में मरीजों की तादाद 190 हो गई। सिंध में मजीद 5 अफराद में वायरस की तस्दीक, तादाद 155 तक पहुंच गई। कोरोना का खौफ, लाहौर के मियो अस्पताल में यंग डॉक्टर्स ने काम छोड़ दिया, ओपीडीज बंद होने से मरीज परेशान। लाहौर में वकला का भी कल अदालतों में पेश ना होने का फैसला। कोरोना वायरस से कैसे निमटें, वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास, वायरस के खिलाफ हुकूमती इकदामात का जायजा। और जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने पर बम धमाका, 3 अफराद हलाक, 9 जख्मी।